यहाँ पे एक भैया मिले मेरे को, और क्या नाम है भैया आपका? अंकित। अंकित नाम है भैया। जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने आपको भैया की शॉप मिलेगी, तो प्रसाद आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। आपको दर्शन में करा देता हूँ बालाजी महाराज के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप और आपकी फैमिली में सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया ब्लॉग लेकर के, और आज का ब्लॉग बेहद खास होने वाला आप सबके लिए। और आज का ब्लॉग जो है हमारा, आज हमारी यात्रा होने वाली दिल्ली से राजस्थान की। यस फ्रेंड्स, और राजस्थान में आज की हमारी यात्रा होने वाली दिल्ली से श्री मेहंदीपुर बालाजी की। और आज की जर्नी भी फ्रेंड्स हमारी ट्रेन से, बाय ट्रेन। और बात करें जिस ट्रेन से मेरी जर्नी होने वाली है, उस ट्रेन का नंबर है 12916 12916, और डेली रन करती है दिल्ली ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद की तरफ। और दिल्ली से अहमदाबाद हमारी जर्नी नहीं होने वाली, हमारी जो है राजस्थान श्री मेहंदीपुर बालाजी की होने वाली है। और बात करें इस ट्रेन की टाइमिंग की, तो दिल्ली से जो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती है, इसका टाइमिंग है 3:20। दिल्ली के रेलवे स्टेशन से हमारी बोर्डिंग होने वाली है, और यहाँ पे जो आती है वो 3:50 पर आती है। और फ्रेंड्स बात करें इसके कोच की, जो कोच है इसमें आपको फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर मिल जाएगा इसमें आपको। किसी भी आपकी टिकट बुक नहीं, और ऑन द स्पॉट आप जाना चाहते हो, यहाँ से आप टिकट से काउंटर से टिकट काउंटर से टिकट ले सकते हैं, जिसका फेयर मैं आपको बता दूंगा अभी जाकर के, क्योंकि मैंने भी जो इसमें बुकिंग नहीं करा रखी है, मैं भी अभी यहाँ पे जनरल टिकट लेने वाला हूँ। और फ्रेंड्स बात करें यहाँ से श्री मेहंदीपुर बालाजी की, जो यात्रा है वो डायरेक्ट जो ट्रेन है वो श्री मेहंदीपुर बालाजी नहीं जाती है। जो ट्रेन आपको जो है बांदीकुई जंक्शन तक उतारेगी, और बांदीकुई से जंक्शन का जो आगे का हमारा सफर होगा, व्लॉग में एंड तक बने रहना। हाय फ्रेंड्स, बढ़ते हैं, मैं अभी यहाँ से टिकट काउंटर से टिकट लेता हूँ, उसके बाद अपनी ट्रेन जो है बोर्ड करूँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 5 से 10 मिनट का टाइम बचा हुआ है, अपनी ट्रेन आने वाली यहाँ पे। और बढ़ते आगे वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक बार जयकारा लगाएंगे, जय श्री मेहंदीपुर बालाजी की जय। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे टिकट काउंटर पे, भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे काउंटर पे। देखिए 10 मिनट बचे हुए ट्रेन के लिए, और यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं जनरल कोच के लिए बहुत भीड़ है भाई। मैंने तो भैया से बात करी टिकट के लिए, देखो उनसे मैंने बोला है लेने के लिए, देखते हैं अभी। फ्रेंड्स बड़ी मशक्कत के बाद यहाँ से टिकट ले लिया मैंने, एक भाई को पकड़ लिया था, भैया से मैंने बोला टिकट ले लेना यार मेरा, 95 रुपीज़ का टिकट है दिल्ली टू बांदीकुई जंक्शन का। और अगर आप रेलवे स्टेशन पर आए तो कम से कम 1 घंटा पहले अगर आपको यहाँ पे आना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं क्राउड कितना ज़्यादा है यहाँ पे इस टाइम पे, मेरी फेस्टिवल का टाइम है, अब घर जा रहे होंगे सारे, तो इसलिए भीड़ है यहाँ पे। फ्रेंड्स आज की जर्नी बड़ी एडवेंचर होने वाली है, क्योंकि आज भी मैंने जो कोई जो कोचा बुकिंग नहीं कराया है, टिकट ऑन द स्पॉट आ गया, मैंने यहाँ पे जनरल टिकट ले रखा है, और अभी देख रहा हूँ यहाँ पे जनरल की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। आपको दिखाता हूँ एक बार, क्राउड देखो जनरल कोच के आसपास खड़े हैं यहाँ पे सारे, ये देखिए आप भीड़ बहुत दूर तक है। और फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे, मैंने अभी पूछा जनरल कोच के बारे में एक भैया से, तो भैया बता रहे हैं 2 कोच इसमें आगे लगते हैं, 2 पीछे लगते हैं, मतलब 4 एक साथ नहीं लगते हैं, 2 आगे और 2 पीछे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप भीड़ देख रहे हैं, मेरे को भैया ने बताया कि मंडे टू थर्सडे के बीच में यहाँ पे जो क्राउड कम होता है, और फ्राइडे सैटरडे क्राउड ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ से जितने भी ड्यूटी वाले होते हैं, जॉब वाले होते हैं, उनको क्या यहाँ से अपना मूव करना होता है राजस्थान की तरफ, जो घर है उनका, जो मेन जो घर है वहाँ की तरफ मूव करते, तो इसलिए इस ट्रेन में जो है फ्राइडे सैटरडे आपको भीड़ मिलने वाली है। अगर कोशिश करें मंडे टू थर्सडे के बीच में आए तो आपको क्राउड थोड़ा कम मिलेगा, अगर आप जनरल कोच से भी आ रहे हैं, जनरल कोच लें और यहाँ से आपको टिकट सीट जो है मिल जाएगी। फ्रेंड्स ट्रेन जो अपनी आ चुकी है यहाँ पे वेब 7 लोकोमोटिव। फ्रेंड्स आप ये भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे जनरल कोच में चढ़ने के लिए, ये देखिए कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। फ्रेंड हम भी चढ़ते हैं जरा। फ्रेंड्स जनरल कोच की भीड़ यहाँ पे देख सकते हैं आप, और ऐसे हमें जाना पड़ेगा, सबसे यात्रा करनी पड़ेगी। चलो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे अभी मैं जनरल कोच में ज़्यादा वेट करने वाला, शायद स्लीपर में मूव कर जाऊँगा। 2 मिनट का स्टॉप लेने के बाद यहाँ से अपनी ट्रेन जो मूव करने वाली है। बहुत भीड़ है, मुझे नहीं पता था ये सब भीड़ होती है आश्रम एक्सप्रेस में यहाँ पे। आज की ब्लॉगिंग ऐसी होने वाली है हमारी। फ्रेंड्स क्राउड देख सकते हैं आप पूरा बोगी के अंदर यहाँ पे जो कोच में। और फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे जिस रूट से हमारी ट्रेन जाने वाली है, दिल्ली गेट से निकलने के बाद अपना गुड़गावा, गुड़गावा से आगे अपना पटौदी रोड, रेवाड़ी जंक्शन, रेवाड़ी के बाद अपना खैरतल, अलवर, राजगढ़, उसके बाद अपना बांदीकुई जंक्शन पहुँचने वाली है। और बांदीकुई जंक्शन पहुँचाने का इसका जो टाइमिंग है वो 6:50 6:58 का है, मतलब मोटा मोटी 7 बजे आपको जो है दिल्ली गेट से बांदीकुई जंक्शन पहुँचा दी जाएगी आश्रम एक्सप्रेस। फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट की जर्नी करने के बाद अपना पहला स्टेशन आ चुका है गुड़गावा, देख सकते हैं आप। ऑलमोस्ट फ्रेंड्स जैसे काफ़ी सारे पैसेंजर चढ़ चुके हैं यहाँ पे अभी गुड़गावा से भी, देख सकते हैं क्राउड बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, बट हमारा लंबा सफ़र नहीं, हमारा बांदीकुई तक का है।
फ्रेंड्स यहाँ पे क्या मैं आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, अगर आपके साथ यात्रा कोई भी जर्नी में लेडीज जर्नी कर रही है या फिर कोई आपके साथ बच्चा वगैरह है और इस वाली ट्रेन से आप यात्रा करना चाहते हैं जर्नी करना चाहते हो तो प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है आप टिकट बुक करा के आएँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे जनरल कोच में अगर आपके पॉसिबिलिटी है तो ही आप यात्रा करें जनरल कोच में, अदरवाइज मत करें। पहले टिकट अपनी बुक करा लें स्लीपर थर्ड एसी सेकंड एसी फर्स्ट एसी जो भी आपका बजट है उस कोच के आप टिकट जो बुक करा सकते हैं। और जर्नी जो ज़्यादा नहीं 4 घंटे की होने वाली दिल्ली कैंट से अपनी बांदीपुर जंक्शन की, टोटल जो 228 किलोमीटर का हमारा डिस्टेंस कवर होने वाला है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जो भी सुटेबल लगे वो कोच बुक करके आएँ, अदरवाइज अगर आप फ्रेंड के साथ आ रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आप जनरल कोच से ट्रैवल कर सकते हैं ज़्यादा नहीं 4 घंटे का, तो आप जनरल कोच से भी आ सकते हैं। फ्रेंड्स 4:40 पर पहुंचे पटौदी रोड, और अगर आपको लगता है इस वाली ट्रेन से आपको नहीं आना तो आप IRCTC एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हैं और भी वेब पे चेक कर सकते हैं, बहुत सारी ट्रेन आपको मिल जाएंगी दिल्ली से बांदीपुर जंक्शन की रूट पे, तो वाली ट्रेन से भी आप आ सकते हैं। फ्रेंड्स 5:02 पर आ चुका अपना रेवाड़ी जंक्शन, यहाँ पे भी जो है रेवाड़ी जंक्शन पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ उतर रही है और यहाँ पे पैसेंजर भी काफ़ी ज़्यादा बोर्ड करेंगे। आपको रेवाड़ी उतरना तो पहले ही रेडी रहें ताकि आप जल्दी से उतर जाओ ताकि भीड़ आए, देखो भीड़ आ रही है, बस हो गया अभी भीड़ आ रही है अभी बैक टू बैक, कुछ यहाँ पे एडजस्ट हो रखे हैं, कुछ इस साइड पे एडजस्ट हो रखे हैं कॉरिडोर्स में, कोई अंदर बैठे हुए, अगर लेडीज़ आ रही है तो लेडीज़ अगर आपके साथ हो तो अंदर बिठा सकते हैं, जो जेंट्स और सीट दे देते हैं काफ़ी लोग जो यहाँ पे अच्छे होते हैं यार, ऐसी बात नहीं, यहाँ पे लेडीज़ को एडजस्ट कर लेते हैं। बात करें यहाँ से जो दिल्ली से अपने गुड़गांव में गाड़ी जब ट्रेन एंटर हुई थी तो वहाँ पे से अपने गुड़गांव से हरियाणा स्टेट स्टार्ट हो गया, तो अब यहाँ से जो रेवाड़ी खत्म होने के बाद अपना जो खैर तक अगला स्टेशन आएगा वहाँ से जो अपना राजस्थान स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन बटन दबा सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो के सभी अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको एक्सपीरियंस कैसा लग रहा पूरा जनरल कोच में जो पूरा मैं अभी कर रहा हूँ उस टाइम पे। फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे एक अपना सब्सक्राइबर मिला है और वो रेवाड़ी से है, मैं मिलवाता हूँ आपको। हेलो भाई कैसे हो आप? बढ़िया। ये रेवाड़ी से नाम क्या आपका? सचिन। सचिन कुमार नाम है इनका। ये भी दूर से खड़े हुए थे वहाँ पे मेरे को देख रहे थे, भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ और भाई ने काफ़ी देर से देख रहे थे, तो भाई मेरे पास आके बोलने लग गया भाई आपका चैनल है यूट्यूब पर, मैंने लगा यस भाई, उन्होंने बोला मैंने आपको 1-1.5 हफ्ते पहले ही सब्सक्राइब करा है। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच अपने लव और सपोर्ट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और शेयर करें इनके चैनल को मोबाइल कोई नहीं। फ्रेंड्स भाई अपनी तरफ से बोलना चाह रहे हैं कि लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कॉमेंट करें और सपोर्ट करें इनकी ब्लॉग्स को। थैंक यू सो मच यार आपके प्यार और लव की वजह से मेरा चैनल चल रहा है, ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू बहुत। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे वेदर कितना प्यारा और है, ब्यूटीफुल हरे भरे खेत यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सी अभी यहाँ पे खैरदल आने वाला है, इस वाली ट्रेन में आपको जो आश्रम एक्सप्रेस में आपको साइड पेंट्री मिलेगी, पेंट्री नहीं है तो अगर आप जर्नी कर रहे लंबा दिल्ली से अहमदाबाद की तो उसमें आपको साइड पेंट्री ही मिलने वाली है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या अभी ट्रेन आउटर पे रुकी हुई है, खैरदल रेलवे स्टेशन आने वाला है और यहाँ पे मौसम बहुत ही बेहद खूबसूरत हो गया है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, मैं दिखाता हूँ आपको। भीड़ के बाद आपको अगर ऐसा मौसम देखने को मिले और ठंडी ठंडी हवा तो कितना सही, जर्नी बहुत बढ़िया हो जाती है ऊपर से। फ्रेंड्स ये खैरदल आ चुका है और यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर चढ़ रहे हैं, 20 मिनट लेट है हमारी ट्रेन जो है। पैसेंजर यहाँ पे चढ़ते हुए भी खैरदल से बात करें। फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेन का यहाँ पे 20 मिनट डिले है हमारी ट्रेन और यहाँ पे इसका टाइमिंग जो था इसका था 5:40 पर यहाँ पहुँचे 6 बजे करेक्ट खैरदल। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है खैरदल क्रॉस होने के बाद बारिश स्टार्ट हो गई है, झमाझम बारिश पड़ रही है बहुत तेज, अल्टीमेट वेदर है मतलब बहुत ही औसम मौसम हो गया है, भी दिखा दो आपको। जैसे अलवर जंक्शन से यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट लेने के बाद अपनी ट्रेन यहाँ से मूव हो चुकी है और यहाँ से क्या आपको एक और लाइन कट जाएगी, यहाँ से क्रॉसिंग आपको है मथुरा के लिए, अगर आप मथुरा जाना चाहते हो तो यहाँ से भी आप डिपोर्ट कर सकते हो और मथुरा के यहाँ से निकल सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपका जनरल कोच में आपने यात्रा करी होगी ट्रेन जर्नी करी होगी तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं आपकी यात्रा जो कैसी गई थी, मतलब कैसा एक्सपीरियंस आपका, मेरा तो अभी बहुत बढ़िया जा रहा है, मतलब एडजस्ट हो रहा है, खड़े होकर जर्नी कर रहे हैं, मैं बैठा नहीं अभी तक यहाँ पे, तो यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सी आपने जर्नी की थी और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा था। ट्रेन थोड़ी सी खाली हो गई यहाँ से, अभी पैसेंजर तो ज़्यादा नहीं चढ़ रहे अभी राजगढ़ से। फ्रेंड्स सायरन दे दिया ट्रेन ने अपनी राजगढ़ और यहाँ से 2 मिनट का
हॉल्ट लेने के बाद अपनी ट्रेन निकलेगी। निकल भी चुकी है यहाँ से, भी मूव हो गई है। अंदर तक तो यार थोड़ी सी भीड़ थी, अब जाके थोड़ा खाली हुआ है, यहाँ पे आया हूँ भी। सो फार जर्नी अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रही है। अगला स्टेशन अपना ही है बांदीकुई जंक्शन। सामने देख सकते हैं पूरा जो वेदर है बिल्कुल ब्लैकआउट हो रहा है उस साइड पे, और वहाँ पे जो बारिश भी हो रही होगी, और यहाँ पे भी हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है राजगढ़ क्रॉस होते ही। फ्रेंड्स बात करें अपनी जो ट्रेन का, ये आश्रम एक्सप्रेस नाम की आश्रम एक्सप्रेस है, बट है ये सुपरफास्ट, तो याद रखिए सुपरफास्ट ट्रेन है। फ्रेंड्स सारे पैसेंजर जब यहाँ पे रेडी हो गए अपना बांदीकुई जंक्शन जो आने वाला है, फ्रेंड्स पहुँच चुके हैं फाइनली यहाँ पे दौसा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अपना बांदीकुई जंक्शन। जर्नी बहुत बढ़िया रही फ्रेंड्स, काफ़ी सारे पैसेंजर यहाँ पे उतरे हैं अभी, मे भी काफ़ी ज़्यादा मूव होंगे यहाँ पे जो श्री मेहंदीपुर बालाजी की यात्रा के लिए। और यहाँ से अभी रेलवे स्टेशन के बाहर चलेंगे, वहाँ से कि आपको जीप की फैसिलिटी मिल जाएगी आगे बढ़ने के लिए श्री मेहंदीपुर बालाजी के लिए यहाँ से। फ्रेंड्स अगर आप में से कोई भी प्लानिंग कर रहा है दिल्ली से श्री मेहंदीपुर बालाजी आने के लिए, तो ये जो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पे न्यू है तो, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको जर्नी पूरी कैसी रही। अब मैं आगे की जर्नी यहाँ से अभी कवर करने वाला हूँ जीप से, तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर कोई भी प्लानिंग कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको एक और लाइन मिल जाएगी बांदीकुई जंक्शन से, जो एक आगरा फोर्ट के लिए भी लाइन जाती है। फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे ट्रेन का, तो ट्रेन ने जो है यहाँ पे 7:10 पर उतारता, 10:12 पर उतारता, 7:12-13 पे, तो 10 से 12 मिनट लेट थी बस, तो इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, मतलब ओवरऑल जर्नी बढ़िया रही हमारी, इतना ज़्यादा लेट नहीं करा ट्रेन। फ्रेंड्स यहाँ से कि आपको ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ेगा, मैं ब्रिज क्रॉस करके जाऊँगा, इससे जाना पड़ेगा आपको, आई मीन जहाँ पे वो जीप मिलती है। काफ़ी बड़ा जंक्शन है बांदीकुई जंक्शन, और यहाँ पे आपको क्या है 5 से 6 प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से जैसे ही आप उतरेंगे तो सामने आपको जीप मिल जाएंगी, ये जीप की कॉस्ट मैं आपको बता दूंगा यहाँ से उतरती, लेके चलता हूँ आपको एक बारी सी। ये देखिए ये जीप आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पे आके मैंने जीप में बैठ गया हूँ आगे, और यहाँ पे भैया ने बताया कि 100 रुपीज़ 100 रुपये सवारी बताई है। और देखिए तो जिसमें मैं बैठा हूँ बलैरो एक वो है, और एक आपको कमांडर मिल जाएगी, ये कमांडर है ये वाली। फ्रेंड्स मैंने जो अपनी जो है गाड़ी चेंज कर ली यहाँ पे, और कमांडर में बैठ गया हूँ। यहाँ पे भी 100 रुपीज़ आपका किराया है इसमें, ठीक है। और उसमें क्या सवारी नहीं थी, तो काफ़ी टाइम ले रहा था चलने के लिए, तो फिर मैंने चेंज कर लिया, कमांडर में आके बैठ गया यहाँ पे भी मैं। एक यहाँ तो एक ही लोग, दो लोग आगे हो। फ्रेंड्स की तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको पड़ने वाला है पे 34 से 35 किलोमीटर, और टोटल टाइम जो लगने वाला है यहाँ पे 50 से 1 घंटा लगने वाला है, मतलब मोटा मोटी 1 घंटा मान के चलो यहाँ से बांदीकुई जंक्शन से श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक। बोलो जयकारा श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज की। डे नाइट इसी सर्विस है, मतलब रात में भी आप आएंगे तो आपको ये अवेलेबल वहाँ पे मिल जाएगी बांदीकुई जंक्शन पे। यहाँ पे आपको आएंगे तो एक टोल प्लाजा पड़ेगा, देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स ये पड़ेगा आपका सिकंदरा टोल। अब यहाँ से अपनी गाड़ी जब मूव हो चुकी है, पे जो एक चौराहा है, चौराहे से हमारी जो गाड़ी यहाँ से लेफ्ट मूव हो गई है, टर्न हुई है लेफ्ट में, और ये चौराहा मेरे को आईडिया नहीं कौन सा चौराहा है ये। बात करें यहाँ पे बारिश की, तो इतनी झमाझम बारिश हो रही, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मतलब मेन रोड पर जो चौराहा बताया था उससे आगे निकलते ही मतलब अल्टीमेट बारिश। अगर आप आए यहाँ पे, अगर बारिश वाला सीजन है तो प्लीज़ यार कोशिश करें कि कमांडर वाली गाड़ी में ना बैठे। अगर आप जो बलैरो में बैठेंगे बिल्कुल पैक होती है, उसमें पूरा टाइट से पूरा कवर होता है, उसमें बैठे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें थोड़ा सा पानी आ रहा है, काफ़ी जगह से उड़ रही है, तो मतलब वो बेटर है। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। फाइनली फ्रेंड्स पहुँच चुके हैं यहाँ पे हम श्री मेहंदीपुर बालाजी, और यहाँ से मंदिर जो है यहाँ से 500 मीटर दूरी पे है। अरे नहीं नहीं फ्रेंड्स यहाँ पे भी मैं पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे जहाँ पे कैब ने उतारा है, यहाँ पे शेयरिंग टैक्सी ने उतारा है, यहाँ से कि आपको बहुत सारी सराय, धर्मशाला, होटल यहाँ पे अवेलेबल आपको मिल जाएंगे, अलग अलग रेट है सबके। 24 आवर का यहाँ पे मेरे को बताया चेक इन चेक आउट की फैसिलिटी वगैरह है, 400 रुपये 500 रुपये 300 रुपये अलग अलग है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे, तो किसी में भी यहाँ पे आपको रुकना है। और यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँगा, यहाँ पे सिंगल पर्सन अगर आप अकेले भी आ रहे हो तो उसको भी धर्मशाला प्रोवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है सारे श्रद्धालु आगे बढ़ते हुए मंदिर की तरफ जा रहे हैं, और अभी मैं ही मूव कर रहा हूँ। मार्केट जो है पूरी खुली हुई, यहाँ पे शॉप्स अवेलेबल मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, बाकी प्रसाद वगैरह की जो है आगे मिलेगी शॉप। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी मार्केट है, ओपन हो रही है, यहाँ पे बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी चहल पहल है, यहाँ पे आने के बाद अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है, पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही है। देख सकते हैं सारे जो यहाँ पे श्रद्धालु वापस भी आ रहे हैं इस टाइम पे, और मार्केट आपको मिल जाएगी यहाँ पे, सी खाने पीने की शॉप्स हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, अभी तक जो यहाँ पे झमाझम बारिश हो रही थी, और जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा तो बारिश बिल्कुल भी नहीं, तो सो आई एम लकी,
यहाँ बढ़िया, यहाँ पे अगर बारिश नहीं हो रही है। मंदिर यहाँ से स्टार्ट है, फ्रेंड्स दर्शन कर सकते हैं आप, फाइनली पहुँच चुका है यहाँ पे। मैं आपको दर्शन में करा देता हूँ बालाजी महाराज के। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना भव्य मंदिर बना हुआ है। राम सीता मंदिर भी है, पूरे भक्त यहाँ पे लगे हुए हैं, सभी सभी भक्त लगे हुए हैं। देखो कितनी बड़ी लाइन है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको जूते उतार के अंदर जाना पड़ेगा। ये देखिए पूरा रास्ता यहाँ पे अंदर जाने का। फ्रेंड्स आप ये टाइमिंग भी देख सकते हैं, यहाँ पे टाइमिंग लगी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी भैया से टाइमिंग पता करेंगे, यहाँ पे मंदिर का टाइमिंग जो है सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे ओपन हो जाता है और रात को जब 9:40 पे क्लोज होता है, तो आप इसी हिसाब से टाइमिंग से आए अगर आपको प्लानिंग करनी है यात्रा। यहाँ पे एक भैया मिले मेरे को, और क्या नाम है भैया आपका? अंकित नाम है भैया। जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने आपको भैया की शॉप मिलेगी, जहाँ प्रसाद आप ले सकते हैं, यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा। नाम ले सकते हैं अन्नी ब्लॉग्स के थ्रू, आपने एक वीडियो देखी थी और वीडियो में अंकित भाई को देखा था। बिल्कुल बोलो बालाजी महाराज की जय। फ्रेंड्स अगर आप 56 भोग की बुकिंग कराना चाहते हैं तो चालू है यहाँ पे, 56 भोग की बुकिंग का नंबर है, इस पर कॉल करके आप बुकिंग करा सकते हैं। भैया ने बताया 35,010 रुपये, 35,010 रुपीज 56 भोग बुकिंग। फ्रेंड्स बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, आई होप आपको मेरी पूरी जर्नी पसंद आई होगी दिल्ली से श्री मेहंदीपुर बालाजी की। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं पूरी जर्नी वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन बटन दबा सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो के सभी अपडेट आपको टाइम टाइम मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स स्टे सेफ स्टे हेल्दी, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद एक नई वीडियो के साथ। बोलो बालाजी महाराज की जय।